महाराष्ट्र में कोरोना महामारी ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। राज्य में 7 दिनों में ओमिक्रॉन के कुल 1,122 मरीज सामने आए हैं, जिनमें आज मिले 111 मरीज भी शामिल हैं। इसके अलावा राज्य में पिछले 24 घंटे में डेल्टा के 2,748 नए मामले और 41 मृत्यु दर्ज की गई हैं। ये जानकारी बुधवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने दी है। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 97.77% हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज मिले नए मामलों के बाद संक्रमितों की संख्या 78,50,494 और मृतकों की संख्या 1,43,492 पर पहुंच गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्रदेश में 5,806 लोगों ने इस जानलेवा वायरस पर मात की है। इसी के साथ राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 76,75,548 हो गई है। फिलहाल प्रदेश में 27,445 एक्टिव मरीज हैं और सभी का इलाज चल रहा है। वर्तमान में 2,79,743 लोग होम क्वारंटीन में हैं और 1,169 लोग संस्थागत क्वारंटीन में हैं। महाराष्ट्र में आज रिकवरी रेट 97.77% है और डेथ रेट 1.82% दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 4,456 केस हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 111 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 21 मरीज अहमदनगर और 19 मरीज नवी मुंबई में मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 4,456 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3,334 लोग इस वेरिएंट से ठीक हुए हैं। एक हफ्ते के आंकड़े, 16 फरवरी 111 ओमिक्रॉन नए मरीज, 15 फरवरी 351 नए मरीज, 14 फरवरी 8 ओमिक्रॉन नए मरीज, 13 फरवरी 218 ओमिक्रॉन नए मरीज, 12 फरवरी 237 ओमिक्रॉन के नए मरीज और 11 फरवरी 76 ओमिक्रॉन के मरीज और 10 फरवरी 121 ओमिक्रॉन के नए मरीज। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।